सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन द लास्ट फाइट के इस एपिसोड में। और गाइस, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग ने यहाँ पे अपने राइवल को हरा दिया था, और आज के इस एपिसोड के अंदर भाई हम लोग को जाना है विक्ट्री रोड पे। बट उससे पहले हम लोग को एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। देखो, ये इंपॉर्टेंट काम मेरे को पहले कर लेना चाहिए था, बट मैं उस टाइम पर किया नहीं, तो अभी मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ। और हाँ भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग लाइक एम रखेंगे। आज के इस वीडियो का लाइक एम है 311। और यहाँ पर बल्बसौर कहाँ से आ गया भाई मेरे मैप के अंदर? भाई साहब, मेरे को तो याद ही नहीं कहाँ से आया बल्बसौर। वेल, कोई बात नहीं, बल्बसौर कहाँ से आया भाई, आई डोंट हैव एनी आइडिया भाई कहाँ से आया भाई स्टार्टर पोकेमोन कांटो का। बट चलो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। मेरे को तो कुछ ऐसा याद नहीं है भाई वो बल्बसौर कहाँ से आ गया भाई, मेरे को याद नहीं है सच में। मैं तो मेरे को नहीं पता भाई, आप लोग को पता होगा, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। और भाई यहाँ पे देखो, मेरे को स्ट्रेंथ लेना भाई, मेरे को बहुत पहले ही स्ट्रेंथ ले लेना चाहिए था, बट मैं ये अंकल के पास आया नहीं था, और पता नहीं क्यों भाई उस टाइम पे मैं भूल गया था, सही बता रहा हूँ भूल गया था, इसके लिए मैंने लिया नहीं था। और यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ मिल गया, बट यहाँ पे एक आइटम है भाई साहब। यहाँ पे हम बाउल्डर को मूव फिलहाल तो नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस आइटम को, इस मतलब वो पोकेबॉल के अंदर कौन सा आइटम है मेरे को आप लोग कमेंट करके बताना। अगर अच्छा चीज़ होगा तो बाद में मैं आके ले लूँगा। और यहाँ पे बल्बसौर गया क्या? नहीं, यहाँ पे भाई हुप्पा के पास एकदम। भाई लोग, मेरे को एक बात बताओ भाई, बल्बसौर आया तो आया कहाँ से भाई मैप के अंदर? मेरे को तो पता ही नहीं है भाई, मतलब अब भी मेरे को पता चला, मैं मैप अभी खोल रहा ना, तो मेरे को अभी पता चला कि बल्बसौर भी भाई मेरे मैप के अंदर है। पता नहीं भाई रोमिंग पोकेमॉन के रूप में बल्बसौर कहाँ से आ गया। ओके, यहाँ पे वापस चेक करते कुछ अच्छी चीज़। एक टॉर्कोल नहीं चाहिए भाई मेरे को, एक टॉर्कोल, एक फायर पोकेमॉन का मैं अचार डालूंगा। ओके, एक काम करता हूँ भाई लोग, मैं थोड़े मास्टर बॉल खरीद के आता हूँ सेलेडॉन डिपार्टमेंटल स्टोर में से। गाइस, यहाँ पे मैंने देखो 11 मास्टर बॉल खरीद लिए सेलेडॉन डिपार्टमेंटल स्टोर से। और अभी हमें रास्ते में कोई लेजेंडरी पोकेमॉन मिला ना, तो हम लोग भाई इसको मास्टर बॉल से पकड़ लेंगे, क्योंकि अल्ट्रा बॉल, ग्रेट बॉल, ये सब पोकेबॉल से पकड़ेंगे ना तो लोग पकड़ में तो नहीं आएंगे, बट हमारा पूरा पोकेबॉल ख़त्म हो जाएगा, और भाई यहाँ से वहाँ हम लोग हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं, हमारा पोपट होगा और कुछ नहीं। ओके, यहाँ पे चलना है हम लोग को अंदर, एक मिनट। ओके, बाउल्डर बैच मैंने इनको दिखा दिया। ओके, चलते हैं अभी। ओके ओके, कैस्केड। ओके, यहाँ पे सब बैच हम लोग को दिखाना पड़ेगा ना ये लोग को, ये भी एक दिक्कत है भाई। ओके भाई साहब, ये लो थंडर बैच भी देख लो, सब कुछ देख लो भाई, जो देखना है देख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ देख लो। रेनबो बैच भी ये लोग ने देख लिया। यहाँ पे सर्फ भी करना है। ओके, आरसीएस को सर्फ आता है बताओ। ओके, साउल बैच भी देख लो भाई, देख लो, मैंने सब बैचेस जीते हैं। और एक गोल्डक आया है जिसका लेवल है 22, तो गोल्डक हम गोल्डक का क्या करेंगे भाई लोग? जिनको पता नहीं है, मैंने लाइक एम रखा है इस वीडियो का 311। और यहाँ पे देखो लेजेंडरी पोकेमॉन को वैल्यू आने, तो उसको पकड़ते हैं हम लोग। ओके भाई, यहाँ पे लेट मी यूज़ वन मास्टर बॉल, क्योंकि और कोई पोकेबॉल हम लोग यूज़ करेंगे तो ये पकड़ में वैसे भी नहीं आने वाला है। और यहाँ पे हम लोग मास्टर बॉल को खरीद सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मास्टर बॉल यूज़ करेंगे। ओके, अभी हम लोग यूज़ भी नहीं कर सकते। ओके, ये भी एक दिक्कत है। ओके, हम लोग करेंगे इन्फर्नो ओवरड्राइव, इसके पास सुपर इफेक्टिव है क्योंकि ये स्टील और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है। ओके, कोई बात नहीं भाई, अच्छा है ना, इसके पास सुपर इफेक्टिव अटैक, तो फिर बहुत अच्छी बात है भाई। फेंट हो जा, अरे भाई काफ़ी तगड़ा है भाई। अरे ये डिफेंस वाला ना मेरे को बहुत बेकार लगता है भाई, कुछ भी बोलो, ये लोग का जो डिफेंस रहता है ना बहुत खतरनाक रहता है भाई, जल्दी टूटता ही नहीं है। पायरो बॉल से इसका डिफेंस टूटना चाहिए। ओके, क्रिटिकल हिट लगा मगर एक ही गया भाई। ओके, एक और टूटा भाई इसका, मतलब ये डिफेंस कर करके ना हमारी वाट लगा देते हैं, और मेरे को लगता है ना आज भी मैं इसको पकड़ नहीं पाऊँगा। ओके ओके, मेरे ख्याल से अगर ये फेंट हो गया तो मैं इसको मास्टर बॉल से पकड़ लूँगा, बस इसकी एचपी पूरी डाउन करनी है, इसको बस फेंट करना है हमें और कुछ नहीं। फेंट हो जा भाई, फेंट हो जा क्विक अटैक से। ओ भाई अच्छे अटैक कर यार ब्रैंडन भैया, तेरे को मैं क्या ही बताऊँ, अच्छे अटैक किया कर। अरे यार वापस से डिफेंस इसने कर लिया भाई साहब, ये ना लगता है ना मेरे को कि ऐसे नहीं आएगा। पायरो बॉल एक ही बचा, तो इस बार मैं फ्लेम थ्रोर करता हूँ। ओके ओके, थोड़ा सा डैमेज पहुँचा है। ओके, सेप्टाइल, मेगा सेप्टाइल गया भाई, फेंट हो गया भाई। लोग लाइक एम है 311 लाइक एम है। अब आप लोग बोल रहे हो कि भाई 11 क्यों? देखो मैंने सुना है कि 11 ना शुभ होता है, 11 शुभ आंकड़ा होता है, इसके लिए मैंने 11 रखा, 311। तो लाइक एम को कंप्लीट करवा देना, आई होप सो कि आप लोग कर दोगे भाई, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, आप लोग वैसे भी कर देते हो तो फिर लाइक एम तो कंप्लीट हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं आप लोग कर पाओगे कि नहीं। ओके भाई, ये फेंट हो गया भाई, और कैच करेंगे इसको, पकड़ेंगे मास्टर बॉल के अंदर। ओके 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 ओके, यहाँ पे कोबैलियन आ चुका है अपने टीम में, वैसे टीम में तो नहीं बट अपनी पीसी के अंदर आ चुका है ये। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ आइटम्स मिलेंगे, बेरीज मिल रहे भाई, बेरीज। ओके, एक रेयर कैंडी भी मिला, नगेट भी मिला, फोकस सैस भी मिला, काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स यहाँ पे मिल जाते, ज़्यादातर बेरी मिलते पता है डेन के अंदर से।
ओके, मार्स बैच भी चेकआउट हो चुका है, मतलब उस ऑफिसर जेनी ने मार्स बैच चेक कर लिया। यहाँ पे ग्रासेस के अंदर कुछ अच्छे पोकेमोन्स और नीडोकिंग भाई काफ़ी तगड़ा पोकेमोन है। ओके, वैसे अगर आप लोग फायर रेड का नॉर्मल वर्जन खेलोगे ना तो उसके अंदर नीडोकिंग काफ़ी अच्छे पोकेमोन है, क्योंकि नीडोकिंग ना लगभग सभी के सभी एचएम सीख सकता है और ये काफ़ी अच्छी बात है भाई नीडोकिंग के लिए, और वो ज़्यादातर टीएम्स भी सीख सकता है। एक एमबी बॉम, चलो एमबी बॉम से मेरे को कुछ काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं यहाँ से ऊपर, वल्केनो बैच भी यहाँ पे हमने दिखा दिया है। और एक मिनट, यहाँ पे भी ग्रास है ना कोई? ओ प्राइमे भैया, प्राइमे भाई एस के टकले फोड़ता कौन था? प्राइमे भी तो फोड़ता था। ओके विका वॉल्ट नहीं चाहिए भाई मेरे को, विका वॉल्ट, एक बार विका वॉल्ट ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। अब मेरे को लगता है कि आप लोग को भी पता होगा, बट क्या मालूम आप लोग को पता है कि नहीं, याद है कि नहीं आप लोग को, क्या मालूम भाई। यहाँ पे स्ट्रेंथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या? सिखाना पड़ेगा भाई, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। मतलब कोई, मतलब जैसे सर्फ है, सर्फ सिखाए बिना हम लोग यूज़ कर सकते, बट ये क्यों नहीं कर सकते भाई? ये ना मतलब गलत बात है यार, रहने दो इस, मतलब अब मैं क्या बताऊँ भाई, किसको सिखाओ? ये सिखाने वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेट मी स्नोलैक्स को चूज़ करते। ओके क्या डिलीट करें हम? ब्रिक ब्रिक डिलीट कर देते, फाइटिंग टाइप अटैक। और यहाँ पे ये सब देखो मेरे को पता है, केव का चप्पा चप्पा मेरे को पता है। ओके भाई साहब, माचौक भैया मत परेशान करो यार, यहाँ पे अब केव के अंदर मेरे को थोड़ी तादा तहिया करनी पड़ेगी। कहाँ गया मैक्स रिपिल? यूज़ करना पड़ेगा यार, ये रहा मैक्स रिपिल। और ये ओ पत्थर को घिसकाने के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स है या फिर ग्लिच है भाई? आई थिंक सो कि ग्लिच है, ये पता नहीं क्या है, ग्राफिक भी हो सकते, कुछ नया ग्राफिक्स ऐड किया हो भाई गेम के क्रिएटर ने। वेल मेरे ख्याल से ना ये कोई ग्लिच है, तो हम लोग ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर। और ये पोकेबॉल उठा लेते। ओके टीएम 0 टू ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन क्लॉ भाई, ड्रैगन क्लॉ क्या ही तगड़ा डैमेज देता है भाई, अटैक बहुत तगड़ा वाला अटैक मिला है भाई मेरे को। ओ भाई मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ पे बैटल होगा यार, ये बैटल के बारे में एकदम पता ही नहीं था, क्या बताओ अभी। वैसे वाटर टाइप पोकेमोन कहाँ है? ये रहा इंटीलियन है ना मेरे पास, मैं सोच रहा था भाई मेरे पास कोई वाटर टाइप पोकेमोन है ही नहीं टीम के अंदर, मैं हैरान एक मतलब एक मिनट के लिए हैरान भाई साहब। ओके रैपिड एस फेंटेड, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? कैप्टन, अरे नहीं यार मेरे को पोकेमोन स्विच करना चाहिए था। ओके आइस टाइप भी सुपर इफेक्टिव है ना इसके ऊपर। ओके आइस बीम करेंगे हम, इसका लेवल 82 है, चलो कोई बात नहीं, लेवल हमारा ज़्यादा है भाई, वो भी एक नहीं दो नहीं 10 लेवल ज़्यादा है। और ऑडिनो ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, इसके ऊपर भाई फाइटिंग टाइप पोकेमोन सुपर इफेक्टिव होंगे, फाइटिंग टाइप अटैक्स, बट मेरे पास कोई फाइटिंग टाइप पोकेमोन तो नहीं है, बट कोई बात नहीं मेरे पास फाइटिंग टाइप अटैक तो है। ये देखो लो स्वेप है मेरे पास, और भाई एडवांटेज रखने के बाद भी ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, तो हम लोग क्या ही बोलेंगे। डक ट्रियो भाई, ओके स्किप। ओ भाई फेंट एक ही अटैक में भाई साहब, वो अलोलन था शायद से, डक ट्रियो अलोलन था मेरे ख्याल से। और बैटरी ओके इसके ऊपर दोनों भी इफेक्टिव, चलो हम लोग करेंगे पायरो बॉल, मैंने गलती कर दी, मेरे को ना इन्फर्नो ओवरड्राइव करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं भाई, ये फेंट हो गया ना एक अटैक में तो भाई बहुत सही है। और इस केव के अंदर ना मेरे पास जो आइटम्स है ना, जैसे कि फुल रिस्टोर, वो सब मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि बार बार अगर हीलिंग कराने जाऊँगा तो फिर आप लोग को पता है कि क्या होगा। ओके ऑडिनो फेंट हो जा, जल्दी फेंट हो जा, क्यूट क्यूट पोकेमोन बैटल करने क्यों आ जाते भाई। ओके कोई बात नहीं, और आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे भाई कि एलाइट फोर से पंगा मत लेना, बहुत तगड़े इस बार, मतलब कि क्या ही बोलूँ अभी मैं एलाइट फोर। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो अब सीधा सीधा जा रहे तो सीधा सीधा जाने दो। ओके ड्रैगन पल्स मिला है TM59, ओके काफ़ी सही चीज़ मिली है भाई TM। ओ एक मिनट वापस चेकआउट कर ही लेते कि क्या है भाई, कुछ छोड़ना नहीं है हमें, इसमें भी कुछ अच्छे अटैक, मतलब एक अच्छा TM मिल गया तो अच्छी बात। ओ एक रेयर कैंडी यार, मेरे को लगा तो कोई अच्छा अटैक मिल जाए यहाँ पे भी तो बात बन जाती, बट नहीं मिला। देखो यहाँ पे एक बंदा हमारा इंतज़ार कर रहा है, इसको मैंने पहले ही देख लिया था, इसके लिए मैंने उसे पंगा ना लिया भाई, पंगा मतलब बंदे लोग से, वरना वो लोग दंगा कर देते। ओके TM07 हेल मिला, इस पत्थर को भी ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। ओके ये इसका रास्ता, एक मिनट यहाँ से लेके जाओ यहाँ पे, फिर नीचे मारो भाई इसको, फिर वापस साइड में मार दो, काम ख़त्म है इसका, वापस चलो यहाँ से ऊपर से निकल लो भाई। भाई बैटल मत करना भाई, उधर देखा, उधर ही देख यार, उधर ही देख तू, एक मिनट आई हैव एन आइडिया। अरे यार आइडिया मेरा ख़त्म, मेरे को ना साइड से, मैं सोचा था साइड से जाऊँगा, बट मेरा आइडिया मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। फाइटिंग टाइप पोकेमोन के ऊपर फ्लाइंग टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव, डायनेमिक पंच भाई, कन्फ्यूज क्यों कर देते हो भाई, कन्फ्यूज मत किया करो यार, कन्फ्यूज ना बहुत बेकार चीज़ है।
और ओ ओ ओ भाई फेंटेड, ओ भाई माचम फेंट हो गया। वो ग्रैस्प क्या नाम है भाई, ग्रैपलॉक्ड इस, ओ ये भी फाइटिंग टाइप है क्या, लग तो रहा है इसके ऊपर इफेक्टिव अटैक, क्रिटिकल हिट भी लग गया, फेंट भी हो गया भाई। मगर उसकी लुक जो थी ना, मैंने उसको पहली बार देखा था भाई लिटरली। भाई कितने सारे पोकेमोन है जिनको अभी तक मैंने देखा नहीं है। ओके बहुत सारे भाई, ऐसे मेरे को पता है बहुत सारे पोकेमोन है जिनको मैंने देखा नहीं है। और इस बंदे को मैंने हराया, और यहाँ पे देखो कुछ आइटम्स है, और ऊपर एक और बंदा है भाई, एक TM37 साइंस स्ट्रॉम। ओके क्या देयर्स एनर्जी पोरिंग, भाई डैन है ये भी। ये कौन है भाई, कौन है ये, ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं भाई कौन है। इस बार मैं अपने राइवल को बुलाऊंगा अपने साथ। ओके अरे ये रिबा लूम है क्या, रिबा हाँ भाई रिला बूम, हाँ रिला बूम, ये तो भाई स्टार्टर पोकेमोन है ना। अरे भाई ये तो अपना गलार का स्टार्टर, और मेरे ख्याल से जायगेंटामैक्स हो चुका है भाई। भाई भाई अभी तो मज़ा आएगा यार, इसको पकड़ेंगे। अरे यार हीलिंग नहीं है यहाँ पे, हीलिंग की हालत ख़राब हो चुकी है। और इन्फर्नो ओवरड्राइव करेंगे, वैसे ग्रास टाइप पोकेमोन है और इसका लेवल काफ़ी कम है, 53 है। चलो कोई बात नहीं, इसको फेंट करके पकड़ते हैं फिर बात बनेगी भाई अपनी। इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगा अल्ट्रा बॉल, क्योंकि ये भाई इतना भी कोई लेजेंडरी पोकेमोन थोड़ी ना है, ये नन्नू मुन्नू पोकेमोन है। अरे भाई ये यार ये डिफेंस वाला ना जायगेंटामैक्स ड्रम सोलो, भाई साहब मेगा टाइनी टार को एक ही अटैक में हरा दिया इसने। ओ भाई क्या ही पावर है भाई इसकी, मज़ा आ गया भाई पावर देख के इसकी। अरे भाई HP थोड़ी सी रिस्टोर क्यों कर रहा है भाई, तू तो वैसे पहले से जायगेंटामैक्स हो चुका है। बॉल कांट यूज़ द सेम मूव इन अ रो ड्यू टू टॉर्मेंट, तो अब मैं यूज़ करूँगा हेडबट तो नहीं कर सकता, लो स्वीप करूँगा और क्या करूँगा। जायगेंटामैक्स ड्रम सोलो, ओ भाई बॉल ने मतलब इसका अटैक सह लिया भाई, वो भी इतने कम HP पे भाई साहब। ओ फेंट हो गया भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टायरिनी टार की वजह से ऐसा हुआ। वो आया था तो साइंस स्टॉर्म लेके आया था ना अपने साथ इसके लिए, कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं हम। ओके यहाँ पे मेरा कॉर्विक नाइट भी हो सकता है, जायगेंटामैक्स, जायगेंटामैक्स या फिर डायनामैक्स जो भी हो। ओके इसको भी हम लोग जायगेंटामैक्स करेंगे अभी। चलो भाई जायगेंटामैक्स कॉर्विक नाइट वर्सेस रिला बूम, जायगेंटामैक्स रिला बूम। ओके अभी तो मज़ा आने वाला है, अब यहाँ पे होने वाला है जायगेंटामैक्स वर्सेस जायगेंटामैक्स। बट एक बात बताओ भाई, तीन बार हो गया ना तो उसका जायगेंटामैक्स टूटा क्यों नहीं, उसने तीन अटैक तो लगातार किए मगर उसका जायगेंटामैक्स टूटा नहीं। और अभी मेरे कॉर्विक नाइट का देखो यहाँ पे टूट जाएगा जायगेंटामैक्स, मेरे को पता है भाई। ओके कोई बात नहीं, लगता है उसके पास यहाँ पे जब तक वो बैटल करेगा ना तब तक वो जायगेंटामैक्स ही रहेगा। और बस 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 एक अटैक और ओ नहीं नहीं मैक्स ड्रम सोलो, आयरन हेड फेंट हो जा, फेंट हो गया भाई। ओके भाई आ जाना बस तू आ जाना, और कुछ नहीं चाहता मैं, आ जाना बस तू अल्ट्रा बॉल के अंदर आ जाना, मिस मत करना भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, आ गया भाई। ओ भाई अब हमारे पास है गलार के तीनों स्टार्टर, और स्टार्टर तो छोड़ो भाई हम लोग के पास एकदम इवॉल्व फुल्ली इवॉल्व फॉर्म है। ओ भाई क्या ही किस्मत है भाई, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ क्या मैं रिला बूम को अपने टीम में रखूँ। मेरे ख्याल से ना बहुत ही ओपी पोकेमोन है भाई, और अगर मैं उसको अपने टीम में रखूँगा ना तो अपने पास गलार के तीनों स्टार्टर पोकेमोन आ जाएंगे। और वैसे भी मेरी टीम में ग्रास टाइप पोकेमोन एक भी नहीं है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ क्या मैं उसको अपने टीम में रखूँ। और रखूँ तो रखूँ वो तो बात सही है, मगर किसको हटाऊँ। देखो बॉल को, कॉर्विक नाइट को और इंटीलियन को मैं हटा सक नहीं, बॉल को नहीं हटा सकता, कॉर्विक नाइट को भी नहीं हटा सकता, और इंटीलियन को अगर आप लोग बोलोगे तो मैं हटा दूँगा, स्नो लैक्स को भी बोलोगे तो हटा दूँगा, RCS को भी हटाने को तैयार हूँ, और थंडरस को भी हटाने को तैयार हूँ। तो किसको हटाऊँ आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके और हाँ ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग उसको रखेंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो ये रखेंगे, और अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर ना रखेंगे भाई, जो आप लोग बोलोगे वही होने वाला है। और यहाँ पे मिला एक फुल हील, और यहाँ पे रास्ता खुला हुआ है हमारे लिए। ओके चैंसी और चैंसी ने हमारे पोकेमोन को हील भी कर दिया है। ओके यहाँ पे क्या है, ऊपर जाना है हमें, अच्छा यहाँ पे कुछ आइटम्स वगैरह वगैरह है तो वो भी हम उठा लेते हैं ना, वैसे आइटम्स उठाएंगे तो फ़ायदा होगा हमारे लिए, देखते हैं इस बंदे से बैटल करेंगे। वैसे हमारे पोकेमोन तो हील हो गए मगर इसके पास भाई, ओ यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट चाहे ना उस केव को क्रॉस कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कुछ आइटम्स है तो आइटम्स को छोड़ के हम लोग कैसे जा सकते हैं भाई, आइटम्स भी बुरा मान जाएंगे। और ऐसे बैटल्स ना बहुत इरिटेट होता है बैटल करके, बट करना पड़ता है भाई, नहीं करेंगे तो आइटम्स नहीं मिलेंगे, और आइटम्स नहीं मिलेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पता आइटम को मैं क्यों उठाना चाहता हूँ, मेरे को क्या लगता है पता है, हर पोकेबॉल के अंदर एक अच्छा TM मेरे को मिलेगा, ऐसी उम्मीद में मैं जाता हूँ आइटम्स को उठाने के लिए, वरना मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है भाई आइटम्स की।
बट मैं एक टीएम, मेरे को कोई अच्छा मिल जाता ना तो फिर मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि टीएम्स बहुत ज़्यादा काम में आते भाई। और इसके ऊपर करते हो और नॉक ऑफ किया भाई इसने क्विक लॉ, भाई इसने भाई मार के भगा दिया क्विक लॉ को। और भाई और कौन कौन आएगा, कौन आएगा भाई, कौन आएगा? वी वाइल इज आई स्टिप पोकेमोन। ओह आई डोंट हैव एनी फायर टाइप पोकेमोन राइट नाउ बिकॉज माई फायर टाइप पोकेमोन इज फेंटेड एंड ओके हैवी स्लैम इज स्टूपे फिक्यूमॉन वी वाइल ओके ओके टोटली फेंटेड बहुत हो गया भाई यहाँ पे वापस से ये क्या है भाई इसका नाम ग्राउंड टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव तो अर्थ को एक्सप्लोजन नहीं यार नहीं स्नोलैक्स मत फेंट होना अच्छा हुआ नहीं हुआ भाई तू मेरे को तो लगा था तेरी नैया डूब जाएगी मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब इसके नैया हम लोग डुबाएंगे इंटीलियन को भेज के इंटीलियन भाई एक बस एक एक सर्फ अटैक मार देकर तेरे पास है तो हे भाई एक बस बस एक ही चाहिए भाई ज़्यादा नहीं आर्कनाइन को हराने के लिए एक ही सर्फ अटैक काफ़ी है और भाई हार भी चुका है ओके मैंने इस बंदे को हराया और मेरे को अरे यार एक मैक्स रिवाइव मिला यार लॉल यार ओके एक रिपील कर लेते हैं यूज ये लड़की ऊपर ही देख रही है तो हमारे मतलब कुछ टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पे ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं वैसे इस पत्थर को हमें लेके जाना है वहाँ पे ऊपर कैसे लेके जाना है मेरे को पता नहीं बस बस बीच में रे भाई तू बीच में रे ऐसे ही चलते रहे मेरे को लगता है ना ये मेरे को याद है आई थिंक सो कि मेरे को पता है ओके ओके बस यहाँ से ऐसा मार दो एक बार बस ख़त्म ओके ओके बहुत बढ़िया और ये खुल चुका है रास्ता और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना तो आई थिंक सो कि पत्थर भाई वापस से अपने जगह पे चले जाएगा बट कोई बात नहीं आइटम्स के लिए कुछ भी गार्ड यार क्या क्या चीज़ मिलते रहते भाई वापस से भाई पत्थर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा खींच के चलो कोई बात नहीं कर लेंगे भाई थोड़ी सी और मेहनत वैसे भी क्या हो भाई हम लोग वैसे बैठे बैठे मोटे हो जाएंगे थोड़ी कसरत वसरत कर लेते भाई एक बात बताओ यार कमेंट करके कौन कौन सुबह उठ के कसरत करता है एक्सरसाइज वगैरह कौन करता है मेरे को बताओ यार मैं तो सच बताऊँ मैं तो नहीं करता हूँ आप लोग की मेरे को पता लगाना भाई आप लोग करते हो कि नहीं मेरे ख्याल से कुछ लोग करते होंगे और कुछ लोग नहीं करते होंगे बट कौन कौन करता है और कौन कौन नहीं करता भाई सच सच बताना हाँ देखो मैं सच सच बता रहा हूँ मैं तो नहीं करता हूँ ओके मैं नहीं करता भाई सच सच बता रहा हूँ और आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताओ लेट मी सी कितने लोग हैं यहाँ पे जो भाई कसरत वसरत करते हैं कौन भाई यहाँ पे अपनी सेहत बनाते हैं मेरे को देखना है भाई देखना है कितने लोग हैं ऐसे ओके कमेंट करके बताओ अरे नहीं नहीं भाई बच गया बैटल बैटल से बच के रहो ओके ओके बैटल बैटल नहीं करने का ज़्यादा ज़्यादा बैटल करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे ठीक है ओके पत्थर तो गया साथ में हम भी और ये पत्थर भी जाएगा यहाँ पे तो रास्ता खुल जाएगा अपने आप ही ओके ये पत्थर यहाँ पे लेके जाके छोड़ दो बस रास्ता खुल गया वैसे रास्ता तो पहले से ही खुला हुआ है यहाँ पे एक बंदा भाई मूव करते जा रहा है अरे नहीं 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 नहीं, नहीं गलत चीज़ अरे भाई साहब जाओ सर जा तू ओके यहाँ पे एक आइटम है इसको उठाते हैं एप्सोलाइट एप्सोल का मेगा रिंग मिला है मेरे को ओके भाई बच बच के निकलना है पत्थर तो है यहाँ पे और रास्ता खुला हुआ है चल भाई तू उधर ही देखते रहे मैं इधर से अरे नहीं नहीं बच गया भाई क्या ही किस्मत है बच गया भाई लिटरली बच गया मैं देखो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चाहते तो जा सकते थे बट एक आइटम भी मिस ना हो जाए ओके ब्रांडन का मैसेज आया यहाँ पे हेलो पीजेज हाउ आर यू डूइंग आई हैव सरप्राइज फॉर यू बट यू हैव टू फाइंड मी फर्स्ट आई एम बैक एट कांटो भाई ब्रांडन वापस आ चुका है कांटो के अंदर और यहाँ पे देखो मैं एक बार अपने पोकेमोन को हील करा लेता हूँ क्योंकि अगर इस केव से बाहर निकलते एक बैटल हो गया ना तो फिर मेरे को हारने से कोई नहीं बचा सकते बट मेरे आइटम्स मेरे को बचा लेते बट मैं रिस्क काय को लूँ भाई हीलिंग एक बार करा लेंगे तो सही रहेगा और ब्रांडन वापस कांटो के अंदर आ चुका है बट उसको ढूंढना पड़ेगा बट वो कहाँ पे है मेरे को नहीं पता तो मैं भी आप लोग मेरे को बता पाओ आप लोग बता देना एक मिनट प्रोफेसर वो यहाँ पे क्या कर रहे पीजेज वेट भाई साहब भाई प्रोफेसर वो यहाँ पे आई केम टू विश यू गुड लक एंड टेल यू वॉट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यू हैव बिकम अ पावरफुल ट्रेनर सेर बिकम पावरफुल टू आई टेस्टेड हिज टीम एंड आई कुडेंट डिफीट हिम वॉट अबाउट यू पीजेज यू हैव सम गुड पोकेमोन विद यू राइट गुड लेट मी सी माई सेल्फ पीजेज सो मी वॉट यू कैन डू ओ भाई अरे यार चलो कोई नहीं प्रोफेसर ओक भी काफ़ी तगड़े पोकेमोन ट्रेनर हैं बट अभी फ़िलहाल तो नहीं है वो बट हाँ अपने टाइम में ये भी चैम्पियन थे तो हम कुछ बोल नहीं सकते
इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन भेजेंगे ब्लास्टोइस के अगेंस्ट और आई हैव अ सुपर एडवांटेज, सुपर डुपर फुल्ली एडवांटेज। और ये मेगा ब्लास्टोइस, मेरी टीम में कोई ऐसा पोकेमोन नहीं है जो कि भाई मेगा इवॉल्व हो पाए, ये काफ़ी दुख वाली बात है भाई, दुखी हो रही है। ओके कोई बात नहीं, चलो ओ भाई चलो भाई, मेरे पास मेगा इवोल्यूशन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पोकेमोन भाई ऐसे ही हरा देंगे मेगा इवॉल्व पोकेमोन को, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके टॉरस, टॉरस नॉर्मल टाइप पोकेमोन, आई नो नॉर्मल टाइप ही है ना, ग्राउंड टाइप तो नहीं है ना, नहीं मेरे को पता नहीं, ठीक से नहीं पता। ओके नॉर्मल टाइप ही है भाई टॉरस, पहले पहले जब मैं टॉरस को देखा था ना इसके, इसका कलर देख के मेरे को एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन लगता था, बट इसकी टाइपिंग ने मेरे को हैरान कर दिया। और यहाँ पे आ चुका है ड्रैगनाइट, वेल ड्रैगनाइट की टाइपिंग है वाटर एंड फ्लाइंग, नहीं ड्रैगन एंड फ्लाइंग ना, क्या मालूम क्या है, ड्रैगन एंड फ्लाइंग इस ऐसे ड्रैगन फ्लाइंग टाइप है, बट ये भाई एक कमाल है ड्रैगनाइट, कमाल धमाल है, पता है क्यों, क्योंकि ड्रैगन टाइप ग्राउंड टाइप अटैक भी कर सकते हैं, वाटर टाइप फायर टाइप क्या नहीं कर सकते भाई, आइस बीम उगे फेंट हो जाए एक अटैक में नहीं होगा भाई, सुपर इफेक्टिव अटैक तो है, बट ड्रैगनाइट इसे ओपी पोकेमोन, और ओपी पोकेमोन इतने आराम से फेंट नहीं होते। और इसने दो बार मैक्स स्क्वैक किया और मेरी हालत पतली हो चुकी है यहाँ पे, और अब मेरी बारी है यूज़ करने की थंडर टाइप अटैक। वेल थंडर टाइप अटैक इतने ज़्यादा डैमेज नहीं देंगे, चलो अरे थंडर अटैक भाई मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैक्स हेलस्टॉर्म भाई, इसने तो मेरे को ही फेंट कर दिया यार भाई, ये ड्रैगनाइट से ना पंगा नहीं लेना पड़ेगा मेरे को, अभी बच के रहना पड़ेगा। आरसीएस को डायनामिक्स करें, अभी हम लोग की बारी है। ओके आइस बीम करता हूँ, रुको एक मिनट, पहले फेंट हो जा, फेंट हो जा, फेंट हो जा, अरे यार जस्ट होने वाला था। ड्रैगन डांस, ओके कोई बात नहीं, आरसीएस को करी क्या, जैगेंटामैक्स, नहीं जैगेंटामैक्स नहीं होगा, डायनामिक्स होगा मेरे ख्याल से, करते हैं इसको, मज़ा आ जाएगा। अरे कौन, टॉरस वापस आ रहा है, अरे आ जा भाई आ जा, टॉरस मेरे जहाँ तक मैंने नाम देखा टॉरस वापस आ रहा है। ओके टॉरस वापस आ चुका है, बॉडी स्लैम नहीं फेंट मत होना, अरे यार कैसे फेंट हो गया भाई तू, वैसे टॉरस की स्पीड मेरे बॉल की स्पीड से ज़्यादा है क्या, वेल आई डोंट नो, बट लगता तो वही है, देख के तो वही लगा। और स्नोलैक्स तो भाई स्पीड के मामले में कितना कच्चा खिलाड़ी, आप लोगों को पता ही है भाई साहब, क्लोज कॉम्बैट, एक ही क्लोज कॉम्बैट में बस इसका काम तमाम हो चुका है, एक अटैक और लगा ना स्नोलैक्स का काम ख़त्म भाई भाई। ए भाई स्नोलैक्स इसके पास भी है भाई, एक मिनट, मेरे पास कोई फाइटिंग टाइप अटैक नहीं बचा है, नहीं बचा है, नहीं बचा है भाई, मैंने यूज़ किया ना, ओके मैंने आपको एक, उसने बेली ड्रम यूज़ किया, ओके खुद ही सो गया भाई वो, और उसकी भाई एचपी वापस से रिस्टोर हो गई, फेंट हो जा स्नोलैक्स, अरे बॉडी स्लैम नहीं, नहीं भाई बॉडी स्लैम से इसने मेरा काम ख़त्म कर दिया, स्नोलैक्स एक भारी भरकम पोकेमोन है, और मैं यूज़ करूँगा अर्थक्वेक। ओके आरसीएस की स्पीड स्नोलैक्स से तो ज़्यादा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। चारिज़ार्ड, अरे भाई आई डोंट हैव वाटर टाइप अटैक, वैसे ग्राउंड टाइप इसके ऊपर इफेक्टिव होना चाहिए ना, फायर और फ्लाइंग है तो क्यों नहीं है, मगर वाई वाई भाई वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, चलो कोई बात नहीं, वो ग्रीन कलर का नहीं आ रहा ना इसके लिए इफेक्टिव मेरे को लगता नहीं है। ओके डज इट इफेक्ट मैक्स क्वेक, तो हेल स्टॉर्म आइस टाइप कहाँ से, मैक्स क्वेक नहीं करेगा इफेक्ट, वेनासोर, ओ भाई 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 वेनासोर, ओके चलो इसको तो हम लोग फेंट कर देंगे, कोई बात नहीं इसको फेंट कर ही देंगे। ओ भाई प्रोटेक्ट क्यों कर लिया यार, ओ भाई प्रोटेक्ट करने के बाद भी अटैक लगा, ओ भाई मज़ा आ गया। ओ चलो आरसीएस का डायनामिक्स टूट चुका है, आइस बीम करते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट कर लिया भाई इसने, चलो कोई बात नहीं, कितना प्रोटेक्ट करेगा भाई, अटैक मार या फिर अटैक खा ले, चलो फेंट हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबकी बारी आती है, हमारी बारी भी आई है यहाँ पे, और हम लोग करेंगे अर्थ पावर, इसको इफेक्ट नहीं कर रहा भाई, अब हम लोग को पोकेमोन स्विच करना पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके ओके ड्रैगन क्लॉ, क्या करूँ मैं, पेबैक करूँ, फ्लेम थ्रोर, नहीं नहीं यार ये फ्लेम थ्रोर की पावर 90 है तो इस हिसाब से बहुत डैमेज देता है, और मैं करूँगा ड्रिल पे के, खुद भी एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, ये लो भाई यहाँ पे मेरा काम ख़त्म है, पर करने दो एक मैक्स, अरे आइटम्स कांट बी यूज नाउ भाई साहब, नहीं नहीं आरसीएस बचा ले भाई बचा ले, हमें हारना नहीं है भाई, हमें अपनी पावर दिखानी है भाई, बचा ले भाई तेरे हाथ में सब कुछ है भाई, बस 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 फेंट मत हो ना, अरे भाई 11 एचपी पे भाई साहब, लिटरली 11 एचपी पे कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे हम लोग मैच जीत चुके हैं भाई साहब, यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग पीजेज, बट आई थिंक शेर इज इवन स्ट्रॉन्गर देन यू, हाँ भाई सब लोग अपने पोते की तारीफ तो करेंगे ना, हियर टेक दिस, तो स्प्लैश प्लेट मिला है, इट इज़ अ स्टोन टैबलेट दैट बूस्ट्स द पावर ऑफ वाटर टाइप मूव्स, ओके
ब्लास्टोनाइट, ओ ब्लास्टोइन का, ब्लास्टोइस का मेगा स्टोन मिला मेरे को। पीजीएच यू हैव टू डू योर बेस्ट टू बी द चैम्पियन, आई एम काउंटिंग ऑन यू। ओके तो चैम्पियन बनने के लिए हम लोग को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और वेल यहाँ पे देखो हील करा लेते अपने पोकेमोन को। ओके हीलिंग वीलिंग तो हो गई। और यहाँ पे ये क्या है भाई? ओके चैम्पियन जब मैकिंग लोरेली लोरेलाई वापस आ चुकी है और हम लोग एलाइट फोर को चैलेंज करने अब जा सकते हैं। बट फिलहाल देखो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ना अगर भाई चैम्पियन से बैटल करने जा रहे हो, एलाइट फोर से बैटल करने जा रहे हो, तो काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप लोग मेरे को दोगे, मेरे को पता है। और बताओ भाई अच्छे अच्छे सजेशंस दो। और हाँ एलाइट फोर की पोकेमोन के लेवल कितने होने वाले वो भी बता देना, मेरे पोकेमोन के लेवल भी देख लो भाई अच्छे से। और भाई अब आप लोग ही हो जो मेरी नैया पार कराओगे, क्योंकि एलाइट फोर के बारे में वैसे तो वो लोग कौन से टाइप के पोकेमोन यूज़ करते हैं मेरे को बस उतना ही पता है, बट वो लोग की पोकेमोन का लेवल कितना होने वाला है वो सब मेरे को नहीं पता। तो आप लोग भाई अब मेरी हेल्प करो, आप लोग ही कमेंट करके बताओ उस हिसाब से भाई कौन सा टीम रखूँ, कौन से टाइपिंग की अटैक अपने पोकेमोन को सिखाओ, क्या रखूँ अपने टीम में, कौन से पोकेमोन को रखूँ। रिलाबूम को मैंने पकड़ा है जो कि ग्रास टाइप पोकेमोन है, उसको रखूँ कि ना रखूँ भाई, अब सब कुछ आप लोग ही बताओगे। और कमेंट करो भाई इतना, मतलब कमेंट कर करके एक एक चीज़ मेरे को बता दो, ठीक है। तो वेल आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप सो कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। वेल अगर अगर कुछ भी भाई वीडियो के अंदर ख़राब लगा होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मतलब वो जो आप लोगों को ख़राब लगा ना उसको सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, और आज के लिए बस इतना। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में। और हाँ जाते जाते भाई सब लोग लाइक कर देना इस वीडियो का, लाइक है मैं 311 लाइक्स, तो प्लीज़ सब लोग लाइक इनको कंप्लीट कर देना। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।